अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जाने फाती किचन और आज हम बना रहे हैं सूजी का हलवा। सूजी का हलवा बनाने के लिए हमने सबसे पहले ले लिया है एक पैन और पैन के अंदर ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून घी और इसके अंदर हम रोस्ट कर लेंगे। हमारे पास है मखाने 4-5 टेबल स्पून हमने इसको ले लिया है, अराउंड हाफ कप हमारे पास मखाने हैं, ये ऐड कर देंगे और इसे रोस्ट कर लेंगे हम थोड़ा सा। जब तक हमारे मखाने रोस्ट हो रहे हैं बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे रोस्ट करना है। हमने इसका शीरा बनाने के लिए रख दिया है। हमने एक पैन में 3 कप हमने पानी ले लिया, इसे बॉईल करने रख दिया और 1 कप ही हम इसमें नॉर्मली जो शुगर यूज़ होती है वो ऐड कर देंगे और इसका शीरा रेडी कर देंगे। और इसमें थोड़ा सा हम फूड कलर भी ऐड कर देंगे, येलो कलर का हम हलवा रेडी करेंगे इसलिए हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर देंगे ताकि इसका अच्छा सा कलर भी आ जाए। और इसी शीरे के अंदर हम ऐड कर देंगे 2 छोटी इलायचियाँ और इसे कुक करने के लिए छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। अभी ये रोस्ट हो ही रहे हैं और इसमें हम ऐड कर देंगे, हमारे पास हैं 4 मगज, ये सीड्स हम सारे इसमें ये भी ऐड कर देंगे और इसे भी रोस्ट कर लेंगे इसी के ही साथ। इसको हम थोड़ी सी लेट ऐड करेंगे ताकि ये बर्न ना हो। ये देखिए रोस्ट हो चुका है, अब हम इसको हटा देंगे फ्लेम पर से और अब हम अपनी सूजी को रोस्ट कर लेंगे। अब हम इसी पैन में ले लेंगे 1/2 कप घी और इसको प्री हीट कर लेंगे। प्री हीट नहीं, बस इसको ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हमने इसको मीडियम ही फ्लेम रखना है, ज़्यादा हाई करना ही नहीं है हमने फ्लेम को। और सूजी को भी हम 1 कप सूजी ले लिया है हमने, इसमें ये ऐड कर देंगे और इसे भी हम भून लेंगे। बिल्कुल लो हमने फ्लेम रखी है और इसको हम सूजी को भी रोस्ट कर लेंगे, चलाते रहेंगे साथ साथ ताकि ये बर्न ना हो। देखिए हमारी शुगर बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है, हमारा जो हमने शुगर को मेल्ट करने रखा था रेडी है। इसकी फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और अपनी सूजी को हम जब तक रोस्ट करेंगे ही जब तक हल्की लाइट गोल्डन ना हो जाए। ये देखिए 1 से 1.5 मिनट हमने इसे भून लिया है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने शीरा रेडी किया है और साथ साथ हम इसे चलाते भी नहीं है ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। हम बिल्कुल पतला सा जो होता है सॉफ्ट सा हलवा वो रेडी कर रहे हैं इसलिए हमें इसमें 3 ग्लास ही पानी ऐड करना, 3 कप ही हमें इसमें शीरा बना के ऐड करना पड़ेगा। अब हम इसकी फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देते हैं ताकि ये कुक होना स्टार्ट हो जाए और चलाते भी रहेंगे साथ साथ। सारा पानी हम इसमें शीरा ऐड कर देंगे और इसको कुक कर लेंगे और साथ साथ हम इसे चलाते भी रहेंगे जब तक इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाए। ये देखें सूजी अब कुक होना स्टार्ट हो चुकी है तो ठीक भी होना स्टार्ट हो चुका है हलवा हमारा। फ्लेम को मीडियम कर देंगे बिल्कुल लो टू मीडियम क्योंकि बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं इसमें। हम 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करते रहेंगे और चलाते रहेंगे साथ साथ ताकि हमारी जो सेमोलिना है सूजी जो है अच्छी से कुक हो जाए। बिल्कुल लो टू मीडियम पे से कुक करते रहेंगे।
कितना मज़ेदार सा हमारा फिर हलवा रेडी हो जाएगा। आप इसे इजीली बना सकते हैं, कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है। जब तक हमारा हलवा रेडी हो रहा है, आप चाहें मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, बिकॉज मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि मैं आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी सी रेसिपीज लेकर आऊँगी। देखें, अब हमने ये जो रोस्ट करके रखा था मखाने, ये भी ऐड कर देंगे। मखाने हम ऐड कर देंगे, हेल्दी रेसिपी भी बन जाएगी ये, वैसे ही हेल्दी है हलवा भी, और हेल्दी हो जाएगा। आप इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको हम ऊपर से गार्निशिंग के लिए यूज़ कर लेंगे, और ड्राई फ्रूट जो आपके टेस्ट के हिसाब से आपको पसंद हैं वो जो भी ले रही हैं और उसमें ऐड कर दें। बस हमारा हलवा रेडी है। लास्ट में हम इस पर और घी डाल देंगे। लास्ट में हम इसमें और 1 टेबल स्पून घी को ऐड कर देंगे। बस हमारा हलवा ये रेडी है ऑलमोस्ट, एकदम मज़ेदार सा हमारा सूजी का हलवा। इसके फ्लेम को हम अब ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे हम। फ्रेंड्स, हमारा सूजी का हलवा रेडी टू ईट है। आप इसके सर्विंग टाइम पर आप इसमें जो मर्जी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो वो उससे आप इसकी गार्निशिंग करें, बॉयल एग से गार्निशिंग करें, ऑसम टेस्ट लगेगा। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर देखने को मिले। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जेफ के चैनल। अल्लाह हाफिज़।